नालागढ़ के पहाड़ी क्षेत्र रामशहर के साथ लगती पंचायत बेड़ी के गांव गुनाकला के जंगल में गैर कानूनी तरीके से हफीम की खेती का पुलिस ने पर्दाफाश किया है और इस बारे में स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। सूचना मिलते ही नालागढ़ के DSP अनिल वर्मा ने मौके पर जाकर हफीम के पौधों के खेतों की वीडियोग्राफी करवाई। वहीं पर DSP अनिल वर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि रामशहर के गुनाकला में गैर कानूनी तरीके से हफीम उगाई जा रही थी, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आज दिनांक 16/3/2018 को जब SI रमेश चंद किसी इंक्वायरी के सिलसिला में गांव बैरी दघाट ग्राम पंचायत बेड़ी में आए हुए थे, तो इतफाकन यहाँ पे खेतों में अफीम की खेती के पौधे नजर आए, जिस पर मैं भी मौके पर आया। नायब तहसीलदार पटवारी को बुलाया गया और सबने चेक किया। उसके बाद उन पौधों को गिनती की गई, जो कि टोटल गिनती में 468 अफीम के पौधे बरामद हुए हैं और उनमें से कोई भिन्न भिन्न साइजों के हैं। ये अलग अलग चार खेतों से बरामद हुए हैं। छोटे छोटे खेत हैं, गेहूं के हैं, लहसुन के हैं, धनिए के खेत हैं। इन खेतों से बरामद करके इनको हमने कब्जा पुलिस में लिया है और आरोपी के विरुद्ध NDPS के तहत सर आरोपी पकड़े गए। आरोपी अभी तफ्तीश चली हुई है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए रामशहर से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।